हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग यूनिट वन यानी स्थिर विद्युत का लेक्चर 14 करने वाले हैं। और आज का जो है बहुत ही आसान आसान सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन सा टॉपिक है जरा ध्यान से देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का ध्यान से देखिए, पहला टॉपिक क्या है, विभवांतर। क्या पढ़ेंगे? विभवांतर, है ना। फिर दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, देखो जरा सर, समविभवीय पृष्ठ। क्या पढ़ेंगे? समविभवीय पृष्ठ। तो ये दो टॉपिक लेंगे बस। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गारंटी है कि इससे ये समविभवीय पृष्ठ जो है ये 2 या 3 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन। क्लियर है? तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। तो हम लोग का जो पहला टॉपिक है जरा ध्यान से देखिए, हम लोग का फर्स्ट टॉपिक क्या है ध्यान से देखो तो क्या है, विभवांतर। क्या है? विभवांतर। तो देखो इसके नाम से क्लियर है, विभव का अंतर। विभवांतर यानी क्या? विभव का अंतर। तो चलिए समझते हैं आखिर विभवांतर होता क्या है, बहुत ही आसान सा चीज है। तो जैसे मान लो बाबू ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। और ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है कौन कर रहा है? ये क्यू आवेश। ये एक आवेश है क्यू, ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न किया? विद्युत क्षेत्र। अब मान लो एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है, बी है। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो एक बिंदु आवेश को क्या कि हम ए से बी तक उठा के ले गए, यहां से ए से बी की ओर ले गए, किसको? क्यू नॉट को। यानी इस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु लिए, एक बिंदु लिए ए, एक बिंदु लिए बी, और हम क्या किए, एक बिंदु आवेश को ए से बी तक विस्थापित किए, यानी यहां से यहां तक ले गए। तो बोलो क्या यहां से यहां तक जो ले गए क्या हम ले गए या अपने आप गया? तो बोलिएगा सर हम लेके गए। क्यों? क्योंकि भाई ये जो विद्युत क्षेत्र है ये धनावेश है, ये भी प्लस ये प्लस, तो विकर्षित कर रहा था उधर, तो हम क्या किया उसके विपरीत दिशा में कार्य किया। तो विपरीत दिशा में जिस पर बल लग रहा था उस बल के विपरीत दिशा में गया, तो ये तो अपने जा नहीं सकता, इसको हम ही लेके गए। तो यहां से यहां तक ले जाने में जो भी कार्य हुआ उसी कार्य प्रति का ही आवेश को हम क्या कहते हैं, विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर। ठीक है, चलो एक बार अच्छे से इसका डेफिनेशन समझो, बहुत ही आसान। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य प्रति इकाई धनावेश को हम क्या कहते हैं, विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर। और विभवांतर को सूचित करते हैं डेल्टा वी से। डेल्टा मतलब क्या हो गया? अंतर। समझना, डेल्टा मतलब हो गया क्या? अंतर। और वी मतलब क्या? विभव। विभव का अंतर यानी विभवांतर। तो विभवांतर हम क्या बोले, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो बोलो कार्य कहां से कहां तक ले जाने में, ए से बी तक। तो लेंगे ए टू बी, यानी कार्य ए से बी तक ले जाने में प्रति इकाई धनावेश। तो कितना है जी? क्यू नॉट। तो ये हो गया विभवांतर का फॉर्मूला। आसान है? तो फिर से एक बार समझो, तुरंत क्लियर हो जाएगा। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य प्रति इकाई धनावेश को विभवांतर कहते हैं। इसे किसके द्वारा सूचित करते हैं? डेल्टा वी द्वारा। या इसी का एक और दो डेफिनेशन है बाबू, जरा समझना, बहुत ही आसान से डेफिनेशन है, ध्यान से देखो डेफिनेशन क्या है। जैसे मान लो बिंदु ए लिए, जो विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ए है, इसका भी कुछ ना कुछ विभव होगा कि नहीं। तो मान लो इस बिंदु ए का जो विभव है, यहां पर बिंदु ए का विभव कितना है, वी ए, कितना है वी ए, और बिंदु बी का विभव क्या होगा, वी बी, क्या होगा, वी बी, है ना। तो बिंदु ए और बी का जो विभव है, तो इसी दोनों के विभव का जो अंतर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, विभवांतर। क्या बोलेंगे? विभवांतर। यानी विभवांतर डेल्टा वी बराबर हम क्या लिख सकते, बोलो ए से बी तक ले गए तो बी का विभव माइनस किसका, ए के विभव, है ना। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह बोल सकते हैं, ध्यान से देखना। किसी विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदु के विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा विभवांतर, जो भी क्लियर हो गया उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो इसी को हम क्या, इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो डेल्टा वी की जगह क्या, वी बी माइनस वी ए बराबर कितना, कार्य ए से बी तक ले जाने में प्रति इकाई आवेश। तो ये भी हो गया फॉर्मूला, कोई तकलीफ। तो ये था हमारा क्या, विभवांतर। क्लियर है? तो चलिए अब दूसरा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ध्यान से देखो, ये याद रखना है।
हम लोग जो दूसरा टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का नाम क्या है, जरा ध्यान से देखिए, समविभवीय पृष्ठ। क्या नाम है? समविभवीय पृष्ठ। इसके नाम से क्लियर है, सम सम मतलब समान, विभवीय मतलब विभव, और पृष्ठ मतलब क्या होता है, सतह, या फिर उसको पृष्ठ भी बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? वैसी पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, समविभवीय पृष्ठ। याद रखिएगा, वैसी पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होती है, उसे क्या कहते हैं, समविभवीय पृष्ठ। आसान है, डेफिनेशन क्लियर हो गया। लेकिन होता कैसे है, ये क्या होता है, जरा उस चीज को थोड़ा ध्यान समझते हैं, तुरंत क्लियर होगा, बहुत ही आसान है। तो देखो इधर, जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं, जरा ध्यान समझना। ये एक आवेश है क्यू। क्या आवेश बाबू? क्यू है। और इस आवेश से मान लो आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, ए है, और आर दूरी पर ही एक दूसरा बिंदु क्या है, बी है। जरा समझना, दो बिंदु लिए, दोनों का दूरी कितना है, आर। तो बोलो इस ए का अगर विभव निकालेंगे, वी ए बराबर होगा 1/4πε0 आवेश है क्यू और दूरी आर, यानी क्यू बटे आर। उसी तरह अगर इसका विभव निकाले, वी भी बराबर क्या होगा बोलो, तो 1/4πε0, बोलो आवेश कितना है, क्यू, और दूरी कितना, आर। तो जरा ध्यान से देखो, ए का विभव और बी का विभव समान हुआ या नहीं हुआ? हो गया समान। क्यों समान हुआ? क्योंकि दूरी समान लिए। क्या लिए? दूरी समान। लेकिन इमेजिन करो, यही एक दूसरा बिंदु ले लेते, मान लो सी, और इसका दूरी ले लेते आर डैश। देखना जरा, तो इसका विभव बेसी बराबर क्या होगा, 1/4πε0 3/r'। तो बोलो क्या अब बी और सी का विभव समान है? नहीं है। क्यों? ये तो सेम है, ये भी सेम है, लेकिन यहां दूरी बदल गया, इसलिए विभव भी बदल गया। तो हम यहां से एक चीज समझे कि अगर दूरी समान रहेगा, जैसे इसका इसका दूरी सेम था, विभव भी समान है, यानी इस बिंदु का विभव इस बिंदु का विभव समान है, लेकिन दूरी यहां बदल गया, विभव का मान भी क्या हो गया, बदल गया। तो जरा समझना ध्यान से, हम जो चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इमेजिन करो एक बिंदु आवेश है, ये क्या है, एक बिंदु आवेश मान लो, ठीक है, यहां पर क्या, एक बिंदु आवेश। इधर से अगर हम आर दूरी पर एक बिंदु लेंगे, यहां पर अगर विभव भी होगा, तो बोलो इधर से भी आर दूरी पर कितना होगा, भी होगा, इधर से भी आर दूरी पर कितना होगा, भी होगा, इधर से भी आर दूरी पर भी, सब तरफ भी। तो सोचो सब बिंदु को अगर मिला दें ऐसे करके, देख सतह बनेगा इस तरह गोला जैसा। तो ये जो सतह है, ये पृष्ठ जो बना, इसी पृष्ठ का हर एक बिंदु पर कहीं पर भी देखेंगे तो विभव समान होगा क्या? तो इसी को क्या बोलेंगे, समविभवीय पृष्ठ। क्या बोलेंगे? समविभवीय पृष्ठ। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलो यहां बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे मान लो ये कोई आवेश है Q, तो इसके चारों ओर ये जो हो गया, क्या हो गया, एक समविभवीय पृष्ठ। क्यों? जरा ध्यान से देखना, ये एक बिंदु आवेश है Q, और इसके चारों ओर का ये क्या है, गोला बना। तो ध्यान से देखो, यहां से अगर दूरी अगर इधर R है, तो इधर भी कितना होगा R, इधर भी R, इधर भी R, सब तरफ R। तो सोचो जरा सा, अगर इस बिंदु पर ले या इस बिंदु पर ले, A पर ले या B पर ले, दोनों का विभव समान होगा। यहां भी बिंदु लेंगे, विभव वही रहेगा, यहां भी हर जगह विभव समान होगा। तो क्या ये एक समविभवीय पृष्ठ हो गया? उसी तरह इमेजिन करो, एक और गोला अगर इस तरह बना दे, मान लो ये गोल तो बना नहीं, लेकिन इमेजिन करो ये गोल है। तो सोचो जरा सा, अगर मान लो, एक बार फिर से बनाने की कोशिश करते हैं अच्छे से, तो जरा ध्यान समझना। ठीक, मान लो अब जरा ध्यान से देखो, ये जो एक गोला बनाया, मान लो इसका दूरी अगर मान लो आर डैश, कितना है आर डैश, तो इधर से भी लेंगे कितना होगा आर डैश। तो बोलो यहां पर एक बिंदु ए डैश ले लें और यहां पर बी डैश ले लें, क्या इस जगह का विभव और इस जगह का विभव समान होगा कि? क्यों? क्योंकि दूरी समान है, इसलिए विभव भी समान होगा। तो जरा ध्यान से देखो, क्या ये जो हम बनाए कि ये भी एक समविभवीय पृष्ठ है, और ये जो बनाए कि ये भी एक समविभवीय पृष्ठ है कि? तो इस तरह करके बहुत सारा हम जितना चाहे उतना समविभवीय पृष्ठ से खींच सकते हैं। तो क्लियर है? तो ये सब क्या हो गया, समविभवीय पृष्ठ। ये एक समविभवीय पृष्ठ हो गया, ये एक समविभवीय पृष्ठ हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस बिंदु का अगर विभव मान लो भी ए है और इस बिंदु का भी है, तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा।
दोनों क्या होगा बराबर, क्यों? क्योंकि ये समविभवीय पृष्ठ, कहीं दो बिंदु है तो दोनों विभव, दोनों बिंदु का विभव क्या होगा बराबर होगा। उसी तरह अगर इसका विभव मान ले वी ए डैश, ठीक है, इसका मान ले वी बी डैश, तो ये दोनों भी क्या होगा बराबर, क्यों? क्योंकि ये भी समविभवीय पृष्ठ का ही पार्ट है, क्लियर है। अब लेकिन अगर इस बिंदु का और इस बिंदु का विभव देखें, यानी वी ए और वी ए डैश का बात करें, तब ये दोनों बराबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये एक अलग समविभवीय पृष्ठ और ये एक अलग समविभवीय पृष्ठ है, दोनों अलग अलग समविभवीय पृष्ठ का बिंदु है, इसलिए दोनों का विभव समान नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। तो बोलिए सर बराबर नहीं होगा क्या होगा, तो होगा क्या, आप पढ़े हैं विभव भी बराबर वन बाय फोर पाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, याद है? इसका मतलब ये हुआ कि दूरी अगर कम होगा तो विभव ज्यादा होगा, ठीक है, दूरी अगर कम लेंगे तो विभव ज्यादा होगा। तो देखो बिंदु ए का दूरी कम है और ए डैश का क्या है ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ का विभव कम है, सॉरी यहाँ का विभव ज्यादा है और यहाँ का कम है, क्यों? क्योंकि दूरी कम लिए बिंदु ए का, दूरी कम है तो विभव यहाँ का क्या है ज्यादा है और यहाँ का कम है, याद रखिए ये होगा संबंध, क्लियर है? तो समझ चुके होंगे, आ रहा समझ में? तो याद रखिएगा क्या समझे हम लोग, ध्यान से देखना कि किसी समविभवीय पृष्ठ में जितना भी बिंदु लेंगे सबका विभव क्या होगा समान होगा, क्लियर है? इसीलिए हम इस बिंदु का दोनों का विभव देखो बराबर कर लिए, ठीक है। उसी तरह ये भी एक समविभवीय पृष्ठ है, इस दोनों का भी विभव क्या होगा समान होगा, लेकिन दो अलग अलग समविभवीय पृष्ठ का विभव का मान कभी समान नहीं होगा, क्लियर है, याद रहेगा, ठीक। तो ये तो था समविभवीय पृष्ठ कैसे होता है, आप लोग समझ गए, ठीक है। अब और देखते हैं इसका कुछ गुण समझते हैं, ठीक है, ध्यान समझ। तो अब देखो एडिंग क्या है, अब हम लोग एडिंग है क्या, समविभवीय पृष्ठ के गुण क्या पढ़ेंगे, समविभवीय पृष्ठ के गुण, यानी समविभवीय पृष्ठ जो होता है उसका क्या क्या गुण है, कौन कौन सा इसका प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना। तो जरा समझो फर्स्ट गुण इसका पहला, ठीक है, ये पहला फर्स्ट, ध्यान से देखना। तो ये जो है पहला गुण है, फर्स्ट गुण है, ध्यान से देखो पहला, ये मान लो एक आवेश है क्यों, ये क्या है आवेश है क्यों, तो बोले ये आवेश है क्या ये अपने चारों ओर समविभवीय पृष्ठ बनाएगा, ऐसे ऐसे इस तरह बहुत सारा बनाएगा, तो ये जो आवेश है ये इसका क्या है समविभवीय पृष्ठ, कौन है समविभवीय पृष्ठ, अब देखो जो चीज समझाना चाह रहे हैं। तो बताओ जी क्या ये बिंदु आवेश है, सोचो जरा सर क्या ये आवेश है, क्या इससे विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, हम बताए थे ऐसे इधर 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 है ना, इधर ऐसे 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 इस तरह निकलेगा, क्या निकल रहा है विद्युत क्षेत्र रेखा। तो जरा ध्यान से देखो ये विद्युत क्षेत्र रेखा ये समविभवीय पृष्ठ, ध्यान से देखो कितना कोण बना रहा है 90, यहाँ भी कितना कोण बना रहा है 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, इस जगह भी 90, इस जगह भी 90, देखो। तो हम यहां से एक चीज समझ गए क्या, ध्यान समझना कि विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा समविभवीय पृष्ठ के क्या होता है लंबवत होता है, क्या होता है लंबवत। तो ये इसका फर्स्ट गुण है, पहला इसका विशेषता है समविभवीय पृष्ठ का, पहला क्या है जरा ध्यान समझना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा समविभवीय पृष्ठ के लंबवत होती है, क्लियर है, ये पहला गुण था, याद रहेगा। अब चलिए दूसरा पढ़ जाते हैं, सेकंड, इसका दूसरा गुण ध्यान समझना बहुत ही आसान है। तो दूसरा गुण कहता यह है कि कोई भी बिंदु आवेश अगर हम समविभवीय पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो उसमें कार्य होता है शून्य। जनरली आप जानते होंगे कि किसी भी आवेश को अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उठा के ले जाते हैं तो उसमें कुछ कार्य होता है, लेकिन यहां पर कहना है कि अगर यहाँ किसी बिंदु आवेश को समविभवीय पृष्ठ के किसके समविभवीय पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो उसमें कार्य कितना होगा शून्य होगा। तो चलिए समझते हैं कैसे होता है, ध्यान से देखो, मान लो बाबू ये क्या है एक समविभवीय पृष्ठ, ठीक है, ये एक आवेश है क्यों, इसका ये चारों का क्या समविभवीय पृष्ठ, ठीक है, अध्ययन समझना।
अब हम क्या किए, एक बिंदु आवेश को उठा करके ए से बी तक ले जा रहे हैं। कहां से? ए से बी तक, यहां से यहां तक ले जा रहे हैं। किसको? इस क्यू नॉट आवेश को। तो कहते हैं कि समद्विबीय पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर आवेश को हम ले जाएंगे तो उसमें किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। ध्यान से देखा, याद करो, आपको अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़ाए थे विभवांतर, यानी डेल्टा वी बराबर, याद करो क्या, कार्य ए से बी तक ले जाने प्रति इकाई आवेश क्यू नॉट, याद है? विभवांतर डेल्टा वी बराबर कार्य ए टू बी बाय क्यू नॉट। अब जरा समझो, तो बोलो कार्य अगर हम ए से बी तक ले जाने में निकाल रहे हैं, यानी ए टू बी, यानी यहां से यहां तक, इसको निकालना तो इसको इधर करेंगे, यानी डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट, ठीक है? चूंकि याद करो डेल्टा वी यानी विभवांतर, तो विभवांतर बढ़ाए थे वी बी माइनस वी ए, यानी बी का विभव माइनस ए का विभव, दो बिंदु के विभव के अंतर को भी विभवांतर कहते हैं। इसीलिए बोलो डब्लू ए से बी तक ले जाने में, बोलो इसके जगह क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू नॉट। कोई तकलीफ? अब जो समझना है वो जरूरी है, चूंकि ये तो फॉर्मूला सिर्फ ला है, अब ध्यान समझ। तो बताओ जी, ये जो बिंदु ए है और बी है, दोनों बताओ क्या ये समविभवीय पृष्ठ का ही दो बिंदु है? और याद करो हम सिखाए थे अभी थोड़ा देर पहले, क्योंकि ये समविभवीय पृष्ठ है, नाम से ही क्लियर है, समविभवीय पृष्ठ यानी यहां पर हर एक बिंदु का विभव क्या होगा, समान होगा। तो बोलो ए का अगर विभव भी है तो बी का विभव कितना होगा? भी, दोनों सेम होगा। तो ध्यान से समझना, परंतु सम विभवीय पृष्ठ में VA बराबर क्या होगी? VB होती है, तो यानी VA VB क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सम विभवीय पृष्ठ। तो इसीलिए ध्यान से देखो, कार्य अगर निकालेंगे कहां से कहां तक होगा? A से B तक ले जाए, तो बोलो वी बी माइनस वी ए है, तो वी ए को भी वी बी लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है इंटू क्यू नॉट। तो बोलो डब्ल्यू ए से बी तक ले जाने, बोलो वी बी माइनस वी बी जीरो इंटू क्यू नॉट। तो बोलो कार्य कहां से कहां तक, ए से बी तक ले जाने में कितना होगा? जीरो। प्रूव हो गया। तो याद रखिएगा, अगर किसी बिंदु आवेश को समविभवीय पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उठा के ले जाएंगे तो उसमें किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा। क्लियर है? तो ये था हमारा क्या दूसरा, इसका विशेषता, समविभवीय पृष्ठ का दूसरा विशेषता या फिर दूसरा गुण। क्लियर है? अब चलो थर्ड नंबर जाते हैं, तीसरा। तो तीसरा क्या कहता है, जरा ध्यान समझना। तो तीसरा कहता है कि दो समविभवीय पृष्ठ कभी एक दूसरे से अधिव्यापित, अधिव्यापित यानी एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करेगा, या फिर बोलेंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, समझना। जैसे मान लो अभी ये कोई आवेश है क्यू, इसका ये समविभवीय पृष्ठ बना तो दूसरा भी ऐसे बनेगा, क्लियर है? तीसरा ऐसे बनेगा। और जरा ध्यान से देखना, इधर से जितना दूरी, इधर से भी सेम, इधर से भी सेम, उसी तरह सोचो ये दूरी जितना रहेगा, ये दूरी उतना, ये दूरी इतना सेम रहेगा। तो सोचो जरा सा, दूरी अगर बदलेगा ही क्या कभी एक दूसरे पर मिल पाएगा? नहीं मिलता। कब? जरा ध्यान समझना। जैसे मान लो ये आवेश है, ये एक तो समविभवीय पृष्ठ होता, ये दूसरा होता तो ऐसा ओवरलैप करता। तो जरा ध्यान से देखो, ये तो हो गया समविभवीय पृष्ठ, क्यों? इधर से हर तरफ से दूरी समान ली है, दिख रहा? लेकिन जरा ध्यान से देखना इसको, क्या ये समविभवीय पृष्ठ हुआ? नहीं हुआ। क्यों? जरा ध्यान से देखो, इधर से दूरी इतना जरा सा है, लेकिन इधर देखो इतना, इसीलिए तो समविभवीय पृष्ठ कभी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए याद रखिए, कभी भी दो समविभवीय पृष्ठ एक दूसरे से अतिव्यापित या फिर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। क्लियर है? तो याद रखिए, ये क्या था आपका सेकंड थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ लास्ट, अब हम लोग फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान है, तुरंत क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना।
तो फोर्थ पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, जो समविभवीय पृष्ठ उसका आकृति कैसे कैसे होता है, तो ध्यान से देखना तुरंत क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी हम तुरंत पढ़े कि अगर बिंदु आवेश हुआ क्या होगा, बिंदु आवेश क्यू, तो उसका समविभवीय पृष्ठ कैसा था, ऐसे गोला के रूप में, देखो हर एक गोला का केंद्र समान है, तो इसको कहते हैं क्या, समकेंद्रीय गोला। क्या बोलते हैं, समकेंद्रीय गोला। यानी जैसे मान लो ये आवेश है, तो इसके चारों ओर एक समविभवीय पृष्ठ ऐसे गोला के रूप में बनेगा, फिर दूसरा भी गोला के रूप में बनेगा, तीसरा भी गोला, इस तरह करके। तो ऐसा होगा, यानी याद रखिएगा, कोई अगर बिंदु आवेश होगा तो उसका समविभवीय पृष्ठ कैसा होगा, समकेंद्रीय गोला, कैसे, समकेंद्रीय गोलीय रूप में। लेकिन यही इमेजिन करो अगर रेखीय आवेश, रेखीय मतलब इस तरह करके जैसे तार है, वैसे इस तरह करके मान लो एक लंबा आवेश। तो जरा समझना ध्यान से, अगर इधर से r दूरी पर एक बिंदु लेंगे, तो यहां अगर विभव v है, तो इधर से भी r दूरी पर v होगा, इधर से भी r दूरी पर v होगा, इधर से भी r दूरी पर v होगा। तो आवेश तो नीचे भी है, तो इसके कारण भी यहाँ r दूरी पर v होगा, इधर भी v होगा, इधर भी v होगा। तो सबको अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बेलन। क्या बनेगा, बेलन। तो याद रखिएगा, अगर रेखीय आवेश, समझना, इस तरह करके रेखा में आवेश अगर बटा, ठीक है, इसका समविभवीय पृष्ठ कैसा होगा, इस तरह करके, जैसे मान लो ये हुआ बेलनाकार, तो दूसरा भी, समझ में आ रहा, इस तरह करके। तो याद रखिएगा, अगर रेखीय आवेश होगा तो उसका कैसा होगा, समविभवीय पृष्ठ, समरेखीय बेलन के रूप में। लेकिन अब थर्ड समझते हैं, तीसरा, ध्यान समझना। मान लो कोई बिंदु आवेश कहां पर हो, अनंत पर हो, कहां पर हो, अनंत पर। जैसे मान लो ये एक बिंदु आवेश है, तो सोचो जरा से, इसका समपृष्ठ एक गोला, फिर दूसरा गोला, फिर तीसरा गोला, इस तरह करके सोचो जरा से, अनंत तक जब जाएगा तो एक बहुत बड़ा गोला होगा कि, तो जो बताओ, आप जानते होंगे पृथ्वी क्या है, गोला के रूप में है, लेकिन आप देखिए जरा ध्यान से, कैसा लगता, नहीं लगता समतल रहे, क्यों, क्योंकि याद रखिएगा, किसी भी बहुत बड़े गोले का अगर छोटा सा हम पार्ट लेंगे तो वो समतल होगा। क्या होगा, समतल। तो इमेजिन करो, अगर आवेश अनंत पर रखा, कहां पर रखा, अनंत पर, तो वहां से उसका समपृष्ठ बनते 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 जो हम लोग जो दिखेगा, तो वो कैसा दिखेगा, समतल, क्योंकि हम पूरा गोला तो देख नहीं पाएंगे, तो वो कैसा होगा, समतल। तो याद रखिएगा, अगर अनंत पर आवेश हो, कहां पर हो, अनंत पर, तो याद रखिए उसका समविपृष्ठ कैसा होगा, समतल होगा। कैसा होगा, समतल। ध्यान समझना, ये इस तरह करके समतल बनाया दो, इस तरह करके, ठीक, ये क्या है, इसका विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि हम सिखा था विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा क्या होगा, आवेश के सतह के, सॉरी, समविपृष्ठ के सतह के लंबवत, है ना। तो जरा ध्यान से देखो, ये समविपृष्ठ के लंबवत है विद्युत क्षेत्र रेखा, तो ये कैसा है, समतलीय समविपृष्ठ, ये किसके लिए होगा, जब बिंदु आवेश कहां पर रखा, अनंत पर, कहां पर रखा, अनंत पर, याद रहेगा। तो हम लोग समझे यहां आकृति समविभवीय पृष्ठ का, ध्यान समझना, अगर बिंदु आवेश रहेगा तो उसका कैसा, समकेंद्रीय गोला के रूप में, रेखीय आवेश होगा तो किस तरह होगा, समकेंद्रीय बेलन के रूप में, और अगर अनंत पर स्थित आवेश तो क्या होगा उसका, समतल, ऐसे समतल सतह के रूप में होगा। क्लियर है। तो याद रखिएगा, ये था आपका समविभवीय पृष्ठ के गुण, या फिर बोले तो समविभवीय पृष्ठ की विशेषता, ये चार विशेषता था। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि समविभवीय पृष्ठ को परिभाषित करें, किसको बोलेगा, समविभवीय पृष्ठ को परिभाषित करें। देखो परिभाषा कितना आसान, वैसी सतह जिसके हर एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होती है उसे क्या कहते हैं, समविभवीय पृष्ठ, एक तो ये हो गया। और दूसरा पूछेगा कि इसके दो विशेषताएं लिखें या दो गुण बताएं, क्लियर है, तो दो तीन जो भी बोलेगा तो वो कर दोगे, क्लियर है, हम चार पढ़ा दिए उसमें कोई भी दो लिख देना। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि एक बिंदु आवेश को समविभवीय पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसमें किया गया कार्य क्या होगी, ठीक है, तो उसका सिंपल से किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा, कितना होगा, शून्य। और याद रखिएगा इसको प्रूफ भी करना होगा तो हम तो प्रूफ करा ही दिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा सारा, ठीक है। और हाँ, आप लोग से बस एक ही शिकायत था, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, हमको मालूम है लास्ट में हम बोल रहे हैं सारा चीज, तो आप लोग तो बहुत आइए गए लास्ट में, तो बाबू थोड़ा इस चीज पर ध्यान दो, तो भी लोग के लिए है सब कुछ, क्योंकि अभी नहीं पढ़ोगे तो बहुत पीछे रह जाओ, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा रहे हैं, और आप लोग अगर नहीं उठाइएगा तो आप लोग पीछे रह जाइएगा, फिर हमको नहीं बोलिएगा,
इसीलिए ध्यान से पढ़िए आप ही लोग के लिए सारा चीज है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।